हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं बात कर रहा हूं एसएससी सीजीएल टायर 1 2023। आपका एग्जाम्स 14 जुलाई से बेसिकली आपका स्टार्ट हो रहा है और अपने आप को बिल्कुल मोटिवेशन जोन में रखना है। लास्ट मोमेंट में बिल्कुल भी हथियार नहीं डालना है लास्ट मोमेंट में, क्लियर। तो बेसिकली आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑल 25 क्वेश्चन किस पर्टिकुलर एग्जाम। अभी जस्ट आपका एग्जाम फिनिश हुआ एसएससी एमटीएस का और इसमें आपके 57 सेट्स पूछे गए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस आपके एग्जाम से पहले 14 जुलाई से पहले जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपके साथ काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्लियर। तो इसी पर्टिकुलर सीरीज में मैं आपके साथ सेट नंबर 2 डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी मैं इसका सेट नंबर 1 डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस टाइप की वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे ऑलरेडी जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर आप उन वीडियोस को देखें एंजॉय किए हैं और आपको ये लग रहा है कि मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ मेरे पास होना चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको रिस्पांस दे दिया जाएगा कि कैसे आपको बेसिकली जो है वो पीडीएफ डाउनलोड करनी है, क्लियर। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया था। विटामिन से आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आपको बताना है बेसिकली स्किन और उसके साथ साथ आईज को हेल्दी रखने के लिए कौन सा विटामिन जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन ए या फिर विटामिन डी या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन बी। तो याद रखिए विटामिन ए जो होता है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपको जो है स्किन और उसके साथ साथ आईज को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोल सकते हो, रतौंधी डिजीज होता है बेसिकली आपका विटामिन ए से। विटामिन डी का जो बेसिकली आपका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो आपको याद रखना है बेसिकली क्या होता है आपका जो है वो कैल्सीफेरॉल होता है। और इसकी कमी से आपका रिकेट्स डिजीज देखने को मिलता है। विटामिन सी बेसिकली जो है ये किसका, इसका जो आपका साइंटिफिक नेम क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड। और ये इसकी कमी से हमें डिजीज देखने को मिलते हैं स्कर्वी। और विटामिन बी बेसिकली आपका ग्रुप ऑफ विटामिन होता है, बी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, जैसे कि आपका विटामिन बी वन हो गया, बी वन बेसिकली आपका थायमिन होता है, विटामिन बी टू आपका राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन बी थ्री आपका जो है क्या होता है, विटामिन बी थ्री आपका जो है निकोटिनिक एसिड होता है, निकोटिनिक एसिड। एंड बी फोर नहीं होता है, बी फाइव आपका जो है पेंटोथेनिक एसिड होता है। और विटामिन बी सिक्स क्या होता है, बी सिक्स आपका पाइरिडॉक्सिन होता है। और ये बेसिकली आपको याद रखना है। विटामिन बी ट्वेल्व आपका साइनोकोवालामिन होता है, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट आपका जो है एनसीआरटी का इमेज है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये आपका विटामिन ए से आपका जो लॉस ऑफ विजन होता है, रतौंधी डिजीज होता है। विटामिन बी वन से आपको वेरी वेरी रोग होता हुआ नजर आएगा। और विटामिन सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, और कैल्शियम बेसिकली आपका मिनरल है। इस कैल्शियम मिनरल से बेसिकली जो आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर कैल्शियम से की कमी से बोन और आपके टूथ जो होते हैं, टूथ मीन्स आपका दांत जो होता है बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, क्लियर। और ये वीक बोन जो होता है, हड्डी जो होता है कमजोर हो जाती है, टूथ के साथ साथ आप बोल सकते हो कि जो आपकी हड्डी भी कमजोर हो जाती है, दांतों का गिरना स्टार्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर मिनरल की कमी से। आयोडीन जिसका सिंबल आपका आई होता है, इसका एटॉमिक नंबर 53 होता है और ये आपका हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टाटिन, क्लियर। ये आपके जो है, और लास्ट याद रखना है आपको टेनेशाइन भी आपका जो है वो हैलोजन एलिमेंट है, क्लियर। तो बेसिकली यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। और इस आयोडीन की कमी से गॉइटर डिजीज होता है, घेंघा डिजीज आप बोल सकते हैं, और आपको नेक में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आपका गर्दन जो है वो क्या हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, क्लियर। आयरन की कमी से एनीमिया डिजीज होता है और बोल सकते हो कि आपके सिम्टम्स क्या होंगे, आपके आपको कमजोर, आपका बॉडी कमजोर होता हुआ नजर आएगा, आपको कमजोरी फील होगी, वीकनेस नजर आएगा, क्लियर आपके बॉडी में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है बेसिकली न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का, वो कितना है, 88.01% या फिर 64.09% या फिर 54.12% या फिर 98.42%। तो याद रखिए कितना है आपका, 88.01% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस लिटरेसी रेट ऑफ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, ना कि आपका न्यू दिल्ली स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपका यूनियन टेरिटरी है, यूटी है न्यू दिल्ली, और लेकिन पर्टिकुलर आपका न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपसे पूछा है, लिटरेसी रेट कितना है आपका, 88.01% है, क्लियर। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं पीडीएफ में बहुत सारी चीज मैं इंक्लूड किया हूं। अगर आप पीडीएफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो जो भी मैं नंबर आपके साथ डिस्कस किया उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो परसेंटेज जो है बेसिकली आपका टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, आपको बताना है कि इंडिया का कितना परसेंट हमें देखने को मिलता है, 3.2% या फिर 5.2% या फिर 4.8% या फिर 2.4%। तो याद रखिए यहाँ पे आप देखिए बहुत अच्छी समझ में आएगा, ये आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का परसेंटेज आपका 97.6% और ये आपका एरिया कितना इंडिया का, जिसमें 2.4% आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है गुरु, आपका जो है कुचिपुड़ी डांस, कुचिपुड़ी डांस एक इंपॉर्टेंट आप क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का, इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कि ये आपका क्लासिकल डांस है। और इसके जो आपके किस पर्टिकुलर गुरु को जो है बेसिकली जो है पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था 1998 में, गुरु वेम्पति सिन्हा सत्यम या फिर उदयशंकर या फिर केलुचरण महोपात्र या फिर गुरु विपिन सिंह। तो याद रखिए गुरु वेम्पति सिन्हा सत्यम को क्या दिया गया था जो है वो पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था 1998 में। क्लियर। नेक्स्ट आपको याद रखना है उदयशंकर के बारे में, ये आपके इंडियन डांसर कोरियोग्राफर और ये बोल सकते हो कि जो है ये फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस के लिए फेमस है आपके उदयशंकर जी। केलुचरण महोपात्रा आपको याद रखना है, ये आपके एसएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया केलुचरण महोपात्रा के बारे में। ये ओडिशी एक इंपॉर्टेंट आपका जो है क्लासिकल डांस होता है जो उड़ीसा स्टेट में देखने को मिलता है और इसके एक्सपोनेंट बोल सकते हो केलुचरण महोपात्रा जी को। क्लियर। गुरु विपिन सिंह ये बेसिकली आपके जो है मणिपुरी बेसिकली आपका क्लासिकल डांस है वो मणिपुर स्टेट में देखने को मिलता है और ये इसके एक्सपोनेंट बोल सकते हो गुरु विपिन सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है ये जैन टेम्पल बेसिकली जो है पड़ाडक्कल में जो किसके द्वारा बनवाया गया था, सालुक्य या फिर सोलाज या फिर राष्ट्रकूट या फिर होयसल वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। तो याद रखिए जैन टेम्पल जो आपका पड़ाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल होता है कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा, ये राष्ट्रकूट के द्वारा ये जो बेसिकली आपका पड़ाडक्कल का जो आपका ये ग्रुप ऑफ टेम्पल है, लेकिन जैन टेम्पल के बारे में पूछा गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राष्ट्रकूट के द्वारा ये बनवाया गया था। राष्ट्रकूट आपके जो है किंग राजा आपके जो है कृष्ण सेकेंड के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, बेसिकली आपको बताना है हाईएस्ट सेक्स रेशियो इंडिया का आपको बताना है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। क्लियर। आंध्र प्रदेश ये किस स्टेट का था बेसिकली आपको बताना है हाईएस्ट सेक्स रेशियो, आंध्र प्रदेश केरल या फिर महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो याद रखिए केरल का जो आपका हाईएस्ट सेक्स रेशियो था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। सेक्स रेशियो आप इंडिया स्टेट और यूटी की अगर मैं बारे में बात करूं तो आपको याद रखना है 943 फीमेल्स एज फॉर 100 मेल्स, इट मींस आपका जो है इंडिया का कितना था आपका 2011 के अकॉर्डिंग आपका सेक्स रेशियो 943। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का सबसे लोवेस्ट आपका जो सेक्स रेशियो था 877 और उसके बाद से दमन एंड दीव का सबसे बोल सकते हो कि यूटी में आपका कम था यूनियन टेरिटरी में 618 और ये केरल का सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो कितना था 1084। क्लियर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट जो बेसिकली यूज किया जाता है मॉइस्चरिंग क्रीम्स और उसके साथ साथ जो है सॉप्स को मॉइस्चर करने में आपको बताना है, लेकिन इसमें क्या प्रॉपर्टीज पाया जाता है, इसमें एक प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, उसकी वजह से इस पर्टिकुलर ये आपका एलिमेंट का यूज किया जाता है मॉइस्चरिंग क्रीम्स के लिए और उसके साथ साथ सॉप्स के फॉर्मेशन में, गैलेना या फिर एथेनॉल या फिर फ्रेयॉन या फिर ग्लिसरॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत कुछ इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। बेसिकली आपका ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। क्लियर। और यहाँ पे देखिए गैलेना जो आपके ऑप्शन में मेंशन था ये बेसिकली आपका लेड ग्लांस होता है। क्लियर। और ये बेसिकली आपका जो है लेड सल्फाइड बोल सकते हो, लेड सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है गैलेना होता है और ये इथेनॉल आपका इथाइल अल्कोहल होता है जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है। क्लियर। आपको नहीं भूलना, ये भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, आपका आंसर हो जाएगा C2H5OH। और ये फ्रेयॉन गैस जो होता है कलरलेस ऑडरलेस और ये नॉन इनफ्लेमेबल आपका ये नॉन कोरोसिव गैस होता है, कोई कलर नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है और ये बिल्कुल ये नॉन इनफ्लेमेबल आपका गैस होता है फ्रेयॉन गैस। और ये बेसिकली जो है ये किसके द्वारा जो है बेसिकली आपको ये निकलता हुआ नजर आता है रेफ्रिजरेंट्स जो आपके एसी बोल सकते हो एयर कंडीशन के द्वारा पर्टिकुलर आपका ये गैस निकलता है आपका फ्रेयॉन गैस। ग्लिसरॉल के बारे में आप याद रखेंगे ये नेचुरली ऑकरिंग अल्कोहल होता है और ये आपका ऑर्डरलेस लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, आप ऐसा बोल सकते हो। और इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है CH2OH और ये CH2OH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके मिनिस्टर उन्होंने रेजिग्नेशन दी थी 20 अक्टूबर 2022, केवल उन्होंने 44 डेज सर्व करी थे, बोरिस जॉनसन या फिर लिज ट्रुस या फिर थेरेसा मे या फिर ऋषि सुनाक। तो अगर आप इमेज को बहुत अच्छे से पहचान ले होंगे तो मैं इस पर्टिकुलर इमेज को गूगल से मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस किया इस पर्टिकुलर स्लाइड में। तो आपके कौन थे यूके मिनिस्टर, केवल उन्होंने 44 डेज सर्व करी थी, लिज ट्रुस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 जो है बेसिकली पैरा शूटिंग के लिए किसको दिया गया था इस पर्टिकुलर फोर्थ प्लेयर्स में से, कृष्णा नगर या फिर नागर बोल सकते हो या फिर प्रमोद भगत या फिर सुमित अंतिल या फिर अवनी लखेड़ा। क्लियर। तो आपको याद रखना है ये अवनी लखेड़ा को दिया गया था
आप बोल सकते हो कि ये क्या है, आपकी शूटिंग है, अवनी लखड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हिस्ट्री से पूछा गया था, प्रीहिस्टोरिक पीरियड के बारे में आपको बताना है कि जो आपका अर्ली डेवलपमेंट हो रहा था ह्यूमन बींग्स का, जिसमें कॉमनली किस पर्टिकुलर उस टाइम को हम किस पर्टिकुलर नेम से जानते हैं, ओल्ड स्टोन एज या फिर मेसोलिथिक एज या फिर आयरन एज या फिर न्यू स्टोन एज। तो आपने पढ़ा होगा ये क्या है आपका जो है, ये ओल्ड स्टोन एज होगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना है स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिकली आपका जो है आपने पढ़ा होगा पैलियोलिथिक एरा, पूरा पाषाण काल, फिर मेसोलिथिक एरा, फिर उसके बाद से जो है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एरा, और ये आपका नियोलिथिक एरा जिसे हम नव पाषाण काल कहते हैं। क्लियर, तो आपको याद रखना है ये ओल्ड स्टोन एज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है इस पर्टिकुलर आपके जो है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जोबियन प्लैनेट के बारे में आपको बताना है, कौन है ये, इन चारों प्लैनेट में से आपका जो कौन आपका जोबियन प्लैनेट नहीं है, मरकरी या फिर नेपच्यून या फिर जुपिटर या फिर सैटर्न। तो याद रखिए जे एस यू एन आपको याद रखना है, मैं अभी इमेज भी दिखाऊंगा, जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून चारों ही प्लैनेट आपके जोबियन प्लैनेट होते हैं, तो मरकरी आपका जो है वो जोबियन प्लैनेट नहीं होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देखिए इमेज में मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये आपके जो है ये जोबियन प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये आपके जोबियन प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं, और ये आपका सन है और सन के बेस पे ये आपका डिस्टेंस है। ये मरकरी सबसे पास होता है और ये बोल सकते हो कि उसके बाद से वीनस, ई, अर्थ, और ये आपका मार्स होता है, और ये आपका देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आपका डिस्टेंस होता है, आपको याद रखना है। सबसे पास में आपका मरकरी प्लैनेट होता है। क्लियर, और इसको बेसिकली जोबियन प्लैनेट्स को हम गैस जायंट्स के भी नाम से जानते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में क्या मेंशन है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी या फिर एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर राइट ऑफ एजुकेशन। तो याद रखिए एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में मेंशन है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 में मेंशन है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में मेंशन है, और ये राइट टू एजुकेशन मेंशन है आपका आर्टिकल 21A में। ये आपको नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें फ्री एंड फेयर कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में मेंशन है 6 to 14 years के बच्चे के लिए। क्लियर, नेक्स्ट आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, आप पीडीएफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आपकी एग्जाम्स के लिए पर्टिकुलर पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट थे, और उसके साथ साथ ये उनके ये आपके प्रेसिडेंट भी थे। क्लियर, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी का नाम बताना है, वन लाइफ इज नॉट एनफ या फिर विंग्स ऑफ फायर या फिर वेटिंग फॉर अ वीजा या फिर द रेस ऑफ माय लाइफ। द रेस ऑफ माय लाइफ मिल्खा सिंह का ये ऑटोबायोग्राफी का नाम है, और ये वेटिंग फॉर अ वीजा ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बायोग्राफी का नाम है, वेटिंग फॉर अ वीजा, और विंग्स ऑफ फायर ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी का नाम है, और वन लाइफ इज नॉट एनफ ये बेसिकली आपका नटवर सिंह का जो है बोल सकते हो कि उनकी बायोग्राफी का नाम है, के नटवर सिंह। तो यहाँ पे देख सकते हो आप विजुअली बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए स्लाइड प्रिपेयर किया है, आप यहाँ पे बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हो। द विंग्स ऑफ फायर, वेटिंग फॉर अ वीजा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके बायोग्राफी का नाम आपको याद रखना है, ये बहुत ही फेमस आपके पर्सनालिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंड द रेस ऑफ माय लाइफ मिल्खा सिंह आप देख सकते हो। पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में आपको बताना है, ये म्यूजिशियन के साथ साथ कंपोजर भी है, आपको बताना है कि किसके आपके एक्सपोनेंट है, किसके विख्यात है, ये क्या बजाते हैं, गिटार वादक या फिर संतूर बजाते हैं या फिर हारमोनियम या फिर वायलिन। तो याद रखिए आप यहाँ पे देखिए ये क्या बजा रहे हैं, ये संतूर वादक है, ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो फर्स्ट सेशन आप बोल सकते हो कि जो वो प्रेजेंट किया गया था एक लेडी के द्वारा, उस पर्टिकुलर सेशन का नाम बताना है आपका, वो इवेंट बताना है आपको। फर्स्ट सेशन जो अगर आपसे पूछा जाए आईएनसी की, फर्स्ट आपकी जो लेडी कौन बनी थी जो प्रेजेंट की थी आपके जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, तो आपको याद रखना एनी बेसेंट का नाम, और ये फर्स्ट आपका जो है ये कहाँ देखने को मिला था, ये पर्टिकुलर आपका जो सेशन कलकत्ता 1917 में हुआ था। क्लियर, कानपुर में बेसिकली आपका 1925 में ये जो आपका सेशन हुआ था इसमें आपके प्रेजेंट किया गया था किसके द्वारा, जो सरोजनी नायडू के द्वारा, ये आपकी फर्स्ट इंडियन लेडी थी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन लेडी के अगर बारे में पूछ लिया जाए तो आपका उस केस में आपका कानपुर अधिवेशन होगा, और ये ऑलरेडी आपके सीजीएल के एग्जाम से पूछा जा चुका है। लाहौर के बारे में आपको याद रखना 1929, और ये सूरत 1907, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है, ये आपका कलकत्ता अधिवेशन एनी पेशेंट 1925 सरोजनी नायडू, और उसके साथ साथ लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929। क्लियर, और 1907 आपका सूरत में देखने को मिला था, रास बिहारी घोष इसमें प्रेसिडेंट बेसिकली इनको चुना गया था। दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल बेसिकली 2022
का ये एम था यूनिफाई करना। बेसिकली आपको नंबर ऑफ क्या बताना है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बताना है जो आपको इंश्योर करता है, मजबूती प्रदान करता है सेटअप करने के लिए आपके जो भी सिनर्जाइज और उसके साथ साथ स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बारे में, और ये आपका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करता है। तो आपको बेसिकली नंबर ऑफ आपको क्या बताना है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बताना है, 3, 2 या फिर 4 या फिर 5। तो कितने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस किया गया था, 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आपके जो है ये 2000 अमेंडमेंट बिल आपका 2022 का था, और यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट आपका जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या नाम है, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एंड सेकंड आपका साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और ये ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है आपका, ये थर्ड बोल सकते हो। क्लियर, तो इन तीनों को मर्ज करने की बात किया गया था इस पर्टिकुलर आपके जो अमेंडमेंट बिल में, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल। क्लियर, इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो आप इस पीडीएफ के थ्रू बहुत अच्छे से पॉइंट को रिवाइज कीजिएगा। वाकर कप बेसिकली आपका जो होता है किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट आपका ये कप खेला जाता है, किस पर्टिकुलर गेम में, हॉकी जैसे या फिर फुटबॉल या फिर गोल्फ। तो याद रखिए ये वाकर कप बेसिकली आपका एसोसिएटेड है गोल्फ गेम से, और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ये सारे के सारे आपके जो है कनाडा कप हो गया, कोलंबो कप हो गया, उसके बाद से आइजन हावर कप हो गया, उसके बाद से प्रिंस ऑफ वेल्स कप हो गया, राइडर कप, और उसके साथ साथ वॉकर कप, ये आपके गोल्फ के इंपॉर्टेंट आप टूर्नामेंट बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस के बारे में आपसे पूछा गया है कि बेसिकली ये कोटिंग की जाती है गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में, किस पर्टिकुलर मेटल का जो है कोटिंग किया जाता है आयरन के ऊपर, प्रिवेंट करने के लिए आयरन में जंग को जंग उससे प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली कोटिंग की जाती है। तो आप उस पर्टिकुलर मेटल का नाम बताने, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में किस पर्टिकुलर मेटल का यूज किया जाता है, निकल, जिंक, कॉपर या फिर सिल्वर। तो याद रखिए जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन आर्टिकल के ऊपर। मान लीजिए कि आपके पास कोई लोहा का कोई सामान है और उसमें जंग लग जाने के लिए आप उससे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस का यूज करोगे और इसमें आप जिंक की क्या करोगे, उसमें कोटिंग करोगे आयरन आर्टिकल पर। क्लियर, और आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, ये आपका निकल जो होता है इसका सिंबल क्या होता है, Ni होता है, और ये आपका जो है इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर आपका जो है वो 30 होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर आपका 29 होता है, इसका सिंबल Cu होता है, और ये सिल्वर क्या होता है, सिल्वर का सिंबल आपका Ag होता है, इसका लैटिन नेम बेसिकली अर्जेंटम होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है। क्लियर, आपको याद रखना है, यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स में पीडीएफ पे इंक्लूड कर दिया जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स में। मेघालय में बेसिकली आपको बताना है कि फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल का नाम, सापसारकुट फेस्टिवल या फिर सनबर्न फेस्टिवल या फिर हॉर्नमिट फेस्टिवल या फिर नॉन्ग्रेम फेस्टिवल। तो बेसिकली मेघालय में एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देखने को मिलता है, इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन्ग्रेम फेस्टिवल, ऑप्शन 4th इज करेक्ट। सापसारकुट फेस्टिवल मिजोरम स्टेट में देखने को मिलता है, हॉर्नमिट फेस्टिवल नागालैंड का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, नॉन्ग्रेम फेस्टिवल जो है मेघालय का फेस्टिवल है, और ये सनबर्न आप बोल सकते हो एशियाज का जो सबसे आपका बिगेस्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल होता है, और ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2007 में, और ये 3 डेज म्यूजिक फेस्टिवल होता है, गोवा स्टेट का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आप बोल सकते हो, उसमें हमें देखने को मिलता है गोवा स्टेट में सनबर्न फेस्टिवल। क्लियर, यहाँ पे सापसारकुट के बारे में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम से पूछा गया था कि इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, बेसिकली आपका ये जो पर्टिकुलर डांस जो है किस पर्टिकुलर स्टेट से बेसिकली आपका ये डांस हमें देखने को मिलता है, किस पर्टिकुलर स्टेट में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर केरल। तो ये बेसिकली भरतनाट्यम तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट आपका क्लासिकल डांस है, ऑप्शन 2nd इज करेक्ट। इंडियन रेलवेज बेसिकली ये प्लान कर रही है, इनका प्लान है कि यो आपका जो है नेट जीरो कार्बन आपका ये इमिट कर दे हो जाएगी आपके इंडियन रेलवे कब तक, 2030 या फिर 2027 या फिर 2032 या फिर 2025। तो याद रखिए इंडियन रेलवेज प्लान्स टू बिकम नेट जीरो कार्बन इमिटर बाय 2030, इसका आंसर आपका जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली आपको एफ के बारे में बताना है, जब हम बात करते हैं एफआरबीएम एक्ट के बारे में 2003, तो आपका क्या होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा आपका, एफ का मीनिंग आपका जो है एफआरबीएम में क्या होता है आपका, फिजिकल होता है, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट आप बोलते हो एफआरबीएम एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि बेसिकली आपका जो है सिल्वर और उसके साथ साथ जो है आपके कॉपर, तो ये दो आपके क्वाइंस जो है बेसिक क्वाइंस जो है किस सल्तनत काल में किसके द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश या फिर इब्राहिम लोदी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखिए ये बेसिकली जो है आपका इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि लीडिंग प्रोड्यूसर कॉटन इन इंडिया
नवंबर 2022 में कौन सा स्टेट है आपका जो है फर्स्ट नंबर पे आप बोल सकते हो लीडिंग प्रोड्यूसर की कैटेगरी में कॉटन कॉटन क्रॉप के बारे में, तेलंगाना या फिर कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो आपका कौन सा स्टेट होगा? आपका गुजरात, ये आपका लीडिंग प्रोड्यूसर कॉटन है, आप बोल सकते हो कि जो इंडिया का इंपॉर्टेंट स्टेट है गुजरात। क्लियर, ऑप्शन फर्स्ट फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी ये फॉर्म किया गया था 1922 में किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू या फिर सी राजगोपालचारी या फिर महात्मा गांधी या फिर चित्रंजन दास? तो याद रखिए किसके द्वारा फॉर्म किया गया था जो है स्वराज आपके पार्टी के जो आपके प्रेसिडेंट जिनके द्वारा ये फॉर्म किया गया था 1922 में कौन बने थे आपके? चित्रंजन दास। तो ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बेसिकली आपका ये एसएससी एमटीएस का बोल सकते हो कि बाइलिंगुअल सेट जो मैं डिस्कस किया पार्ट टू इसका कंप्लीट होता है। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे और इस वीडियो का फीडबैक दीजिएगा कैसा लग रहा है वीडियो का एक्सप्लेनेशन। और अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर बोल सकते हो कि जो मैं शुरू में मैं आपसे बात किया था पर्टिकुलर नंबर जो मैं शेयर किया था आप उस पर्टिकुलर नंबर पे आप क्या कर सकते हो कि मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने के बाद से आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा 8844004194 पे। क्लियर, तो आप यहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप को मोटिवेट रखो जब तक कि आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 का टायर 1 आपका क्लियर ना हो जाए।